इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत रिफाइनरी के मैनेजर ने संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिफाइनरी के मैनेजर ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारी है। गोली लगते ही वह खून से लथपथ हालत में वहीं जमीन पर पड़ गया और अचेत हो गया। इस हालत में स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत पानीपत के प्रेम अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। दिल्ली जाने की तैयारी की ही जा रही थी, लेकिन उसी दौरान उसकी मौत हो गई। रिफाइनरी से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैनेजर ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारी है। इसके बाद शव को पानीपत के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका पंचनामा भरवाकर शवगृह में रखवा दिया गया है और पुलिस मामले की आगामी जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सुशील पुत्र शिवचंद निवासी गांव रे रकड़ा के रूप में हुई है, जो कि पानीपत रिफाइनरी में कर्मचारी था। सोमवार को उसने टाउनशिप में मौजूद स्टेडियम के पास खुद को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मार ली। गोली की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और जिसके बाद पानीपत के एक निजी अस्पताल में उसे ले जाया गया। फिलहाल सुसाइड के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ और पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। शव को सिविल अस्पताल में लाया गया है और उसके परिजनों को जो है मौके पर बुलाया गया है। अभी तक सुसाइड के बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना जो है सामने नहीं आई, तो फिलहाल ये मामला जो है पानीपत रिफाइनरी का जो है बताया जा रहा है। रिफाइनरी में गोली मारी है, स्टेडियम के पास गोली मारी है और गाँव के सरपंच और जितने भी मौजूद आदमी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक आपको बता दें कि इस मामले में किसी प्रकार की पुख्ता जानकारी जो है अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रेम अस्पताल में आप देख सकते हैं लाया गया है, लेकिन दिल्ली जाने के दौरान जैसी तैयारी की जा रही थी वैसे ही युवक की मौत हो जाती है। फिलहाल अभी तक सुसाइड के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है और जैसे ही गोली की आवाज़ इलाके में गूंजी तो आसपास के लोग जो है वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो सिविल अस्पताल से आप ये लाइव तस्वीरें जो है देख रहे हैं, सिविल अस्पताल में शव को रखवाया गया है और पुलिस सारे मामले की जाँच कर रही है। अनिल कुमार हमारे गाँव लगा है जी, तो ये आईएसएल में नौकरी करता था। कई दिन से डिप्रेशन में तक पता नहीं कुछ, कोई अंदर कोई पता था क्या वजह थी जी। इसने अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से भाई अपने गोली मारकर अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ले, तो डॉक्टर ने उसको डेड घोषित कर दिया। जो आगामी कार्रवाई डॉक्टर साहब करने गए, उसके बाद पोस्टमार्टम करवा कर उसको कारण कुछ पता लग पाया, कारण का कुछ पता नहीं लगा। मैनेजर बताए जा रहे सर ये? हाँ, आयुषेल में स्टोर में मैनेजर थे आज। यहाँ कहाँ पानीपत में भी रहते थे? पानीपत में रहते, अपने भाई सुभाष के पास गाँव रेखला में रहते थे, दोनों जगह रहते थे। पुलिस को सूचना दे दी गई? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी, उसका परिवार भी, उसके बच्चे भी, उसका भाई भी, सब यहीं मौजूद हैं। खुद की रिवॉल्वर थी इनकी? हाँ, खुद की लाइसेंस रिवॉल्वर थी। इनके दिमाग में परेशानी थी, ये पता नहीं क्या परेशानी। हाँ जी, कभी कोई सूचना घर वालों तक कभी नहीं बताई कोई? वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह के साथ सूरज शर्मा।